भागवत जी के श्लोकों का पाठ अगर हम करते हैं तो हमारा उद्धार अवश्य ही होगा। एक अध्याय नहीं तो एक श्लोक, एक श्लोक नहीं तो एक अक्षर भी रोज पढ़ो। आपको पढ़ना नहीं आता, संस्कृत उच्चारण करना नहीं आता है तो पीले वस्त्र में भागवत जी के पुस्तक को बांध करके अपने घर में रखो। पीले वस्त्र में पुस्तक को रखो। कहते हैं जिस घर में भागवत जी विराजमान है वो घर फिर घर नहीं मंदिर बन जाता है। और ऐसे घर को नित्य प्रति देवी देवता भी प्रणाम करने आ जाएंगे। इसीलिए अपने घर को अगर मंदिर बनाना है तो घर में भागवत के पुस्तक अवश्य ही रखिएगा। हर मनुष्य को चाहिए अपने घर को मंदिर जैसा बनाए। आपके घर में अगर कोई आते हैं, रिश्तेदार आए, अतिथि आए, तो वो ये ना कहे कि आपके घर का बेडशीट बहुत अच्छा है, आपके घर में जो सोफा है बहुत अच्छा लगा, आपके घर का इंटीरियर डिजाइन बहुत अच्छा है, ऐसा ना कहे। अगर कोई आपके घर में आते हैं तो ऐसा बोले कि हमें जैसे आपके घर में हमने प्रवेश किया हमें बहुत ज्यादा शांति मिली, ऐसा लोग आपसे बोले। घर को ऐसा बनाओ। क्यों? क्योंकि मंदिर तो आप आधा घंटा जाते हैं, ज्यादा से ज्यादा एक घंटा मंदिर में आप बिताओगे, लेकिन पूरा दिन तो घर में ही रहना है। इसलिए घर के वातावरण को इस प्रकार सकारात्मक बनाओ जहां रह करके आपका मन शांत रहे, जहां प्रवेश करते ही आपको पॉजिटिव वाइब्स आए, सकारात्मक विचार आए। इसलिए अपने घर को शुद्ध बनाने के लिए, पवित्र बनाने के लिए तुलसी के पौधा लगाओ। अपने घर को मंदिर बनाने के लिए भागवत जी के ग्रंथ रखो, रोज पाठ करो। अपने घर को मंदिर बनाने के लिए अपने घर में गोपाल जी का, भगवान श्री राधा कृष्ण का सेवा करो। आपके जो भी इष्ट हैं अपने इष्ट का सेवा करो। बड़े बुजुर्गों का सम्मान करो। अगर आप ऐसे कार्य करते हैं तो आपका घर भी मंदिर समान हो जाएगा।